हेलो दोस्तों, मैं इन दिनों सीरियल पटियाला भी काफी ज्यादा शानदार चल रहा है। जैसे कि दोस्तों लास्ट एपिसोड जो था वह काफी ज्यादा शानदार रहा, जहां पर हमने देखा कि दोस्तों जो हनुमान सिंह की हवेली है वहां पर उस कॉलोनी में आता है केवल, और वहीं पर उसी के बाद सबको काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। खैर दोस्तों, दादू बीजी से लेकर हर कोई उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे वहां से जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में हमने देखा कि कल के एपिसोड में हमें नील नहीं दिखाया गया क्योंकि वह हनुमान सिंह की हवेली में मौजूद नहीं था। तो ऐसे में दोस्तों जब आने वाले एपिसोड में उन्हें इन सब चीजों का पता चलने वाला है नील को, तो नील काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा और काफी ज्यादा गुस्सा भी होगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद नील का जो किरदार है हमें बदलते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है उसमें हमें नील का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। जहां पर दोस्तों हम सभी को एक्सपेक्टेशन थी नील से कि नील का जो किरदार है एकदम हनुमान सिंह की तरह ही होगा, लेकिन अब तक हमें ऐसा नजर नहीं आया। क्योंकि दोस्तों जहां पर हमने देखा कि हनुमान सिंह का जो किरदार था वो एकदम दबंग पुलिस ऑफिसर के जैसे दिखाया गया था, वह किसी भी तरह की नाइंसाफी जो थे वह बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन इसी के साथ ही हमने देखा कि दोस्तों कि जो नील है वह अब तक काफी ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं दिखाया गया है, यहाँ तक कि कुछ ज्यादा हेल्प भी नहीं कर पाए मिनी की अब तक, जहाँ पर फाइनेंशियली तौर पर लेकर कहीं कुछ भी वह हेल्प नहीं कर पाया, बस रेस्टोरेंट ही वह संभाले जा रहा है। लेकिन दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको बता दूं कि जहाँ पर नील ओबरॉय के खुद के किरदार यानी सौरभराज जैन ने इंटरव्यूज के दौरान कई बार बताया कि जो नील का अतीत का सच है वह सबके सामने जब आएगा तो सीरियल एक नया मोड लेगा। और वहीं पर दोस्तों कहानी आगे वाले एपिसोड में वहीं पर जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जहां पर अब तक हमने देखा था कि कॉलोनी में आपस में लड़ाइयां चल रही थी मिनी की, तो ये घर परिवार में आपस में लड़ाइयां चल रही थी, लेकिन दोस्तों अब जो मिनी का सामना है वो होने वाला है पूरी एक सिस्टम से, यानी कुछ पावरफुल व्यक्तियों से। क्योंकि दोस्तों जो 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 कि हेड है स्कूल का वह मिनी की बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अपने स्कूल की रेपुटेशन सबसे ज्यादा प्यारी है। तो ऐसे में दोस्तों अपना बचाव करते हुए मिनी को गलत साबित करने की कोशिश करेगा आने वाले एपिसोड में, जहां पर दोस्तों मिनी हमें देखने को मिलेगी थोड़ी सी कमजोर, क्योंकि दोस्तों लाला अंकल जो है जो उसके अंकल है वह भी अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सामने वाली जो उनके अगेंस्ट खड़े हैं वह काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे में दोस्तों नील ओबरॉय अपने अतीत का सच सामने लाकर अपने कुछ पावर्स दिखाता है या फिर नहीं, आने वाले एपिसोड में देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या दोस्तों बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हमें एक अलग अवतार में देखने को मिलेगा नील ओबरॉय, जहां पर वह मिनी को कहेगा कि केवल यहां पर आया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। दोस्तों इन सबको सुनकर मिनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी और इसे सारी बात बताएगी। खैर दोस्तों उसके बाद मैं बता दूं कि नील ओबरॉय कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेगा, लेकिन मिनी उसे रोक लेगी और कहेगी कि अब ये मैटर वो खुद ही सॉर्ट आउट करेगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद नील ओबरॉय का कुछ अलग भी किरदार हमें देखने को मिल सकता है सीरियल के अंदर, जो कि आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि नील ओबरॉय अब कौन सा नया रूप हमें दिखाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि नील ओबरॉय वाकई में कोई बड़ी शख्सियत दिखाया जाएगा सीरियल में उसकी, या फिर वह एक कॉमन सा सिंपल सा शेफ ही रहेगा? दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और आपको क्या लगता है कि क्या होगा नील के अतीत का सच कमेंट में बताइए, और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे और भी नेक्स्ट अपडेट्स आपको देता रहूंगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि वीडियोस नोटिफिकेशन पे आपके पास पहुंच जाएंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, चलिए थैंक यू दोस्तों।